एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे तर्फे 12वी भारतीय छात्र संसद एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे येथे गुरुवार दिनांक 15 ते शनिवार 17 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत होणार दिनांक 15 सप्टेंबर व 17 सप्टेंबर 2022 दरम्यान स्वामी विवेकानंद सभा मंडप एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी कोथरूड पुणे येथे आयोजन केले आहे. राजकारणामध्ये प्रशिक्षण, राजकारणामध्ये ट्रेनिंग, राजकारणामध्ये विद्यार्थ्यांनी शिक्षित लोकांनी राजकारणात यावं ह्या भूमिकेतून एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट राजकारणाचं प्रशिक्षण देणारी भारतातली पहिली संस्था 2005 साली आणि 2011 साली त्याच्याच पोटातून भारतीय छात्र संसद एक व्यापक असा प्लॅटफॉर्म युवकांसाठी की पढे लिखे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए और शिक्षित होके पब्लिक लाइफ में कल जाना चाहिए. इतना सीधा और स्ट्रेट मैसेज हम देने की कोशिश, खाली कोशिश नहीं बट एक लैबोरेटरी कहूँगा और वो एक यशस्वी लैबोरेटरी जिसमें हर साल 10-12 हज़ार छात्र भारतीय छात्र संसद में आते हैं. 12वीं एडिशन पुणे में यहाँ होने जा रही है, 10वीं एडिशन दिल्ली में हुई थी, 11वीं एडिशन ऑनलाइन बीच में कोविड की वजह से हुई. आप सभी पत्रकारों को मैं विनती करता हूँ कि राजनीति में प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है. सभी विधानसभाओं ने इस तरीके के ट्रेनिंग के सेल्स और एजुकेशन की संस्थाएँ निकालनी चाहिए. भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, सभी पार्टी के अध्यक्षों को भी मैं यहाँ पर अपील करता हूँ कि उन्होंने भी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से एक संस्थान राजनीति में प्रशिक्षण देने का निकालना चाहिए. और शिक्षित होके ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको इंजीनियरिंग होना है तो आपको जेई में कितने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, एमबीबीएस में चाहिए तो नीट में कितने चाहिए, इतने चाहिए, जर्नलिस्ट होना है तो उसके लिए भी कुछ. तो इसलिए राजनीति में आना है, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने अगर भारत में अगर ये प्रण ले लिया कि भाई आने वाले समय में हम, हमारी एलिजिबिलिटी ये है, पूरा देश का चित्र बदल जाएगा. शिक्षित लोग, अच्छे लोग, कमिटेड लोग, पॉलिटिकल पार्टियाँ और ऑलरेडी पिछले 15-17 सालों में काफ़ी हद तक इस तरीके का कल्चर तैयार करने में एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. ये जो 12वीं एडिशन है इसका ओपनिंग होने वाला है, यू नो, सुमित्रा महाजन जी इसमें आएंगे, इसमें एसपी सिंह बाघेल जी आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें मैं आई एम होपफुल कि और भी देश के यूनियन मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स और बाकी भी लोग इसमें आएंगे. देवेंद्र फडणवीस जी इसमें प्रमुख रूप से उद्घाटन में, मैंने उनको विनती किया और उन्होंने एग्री किया कि उद्घाटन में वो आएंगे और चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर. और बाकी तीनों दिन में विधानसभाओं के अध्यक्ष वैलिडेटरी प्रोग्राम में भी मीरा कुमार जी और बाकी भी लोग इसमें होंगे, जिसमें हम यू नो एक अवार्ड योगी आदित्यनाथ जी को हमने प्रपोज किया, उनका कन्फर्मेशन आया नहीं है बट तत्वता उनके ऑफिस ने मान्यता दी है कि शायद वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां. भागवत कराड़ जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस वो भी आ रहे हैं. सतीश महाना ऑनरेबल स्पीकर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. गिरिराज सिंह जी भी आ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज. उसके साथ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के श्री गुप्ता जी भी आ रहे हैं, स्पीकर साहब. बिहार के भी स्पीकर यहाँ पे आ रहे, चेयरमैन, और भी 3-4-5 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, कॉरपोरेट के लीडर्स, ऐसे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. हर साल ये बहुत 3 दिन तक करीबन 100 के लगभग स्पीकर इसमें बात करते हैं. खाली पॉलिटिक्स के ही नहीं, संगीत क्षेत्र से शंकर महादेवन है, कौशिकी चक्रवर्ती, मैं सभी फील्ड के सभी लोगों को मैं बोला कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करो, कि कौशिकी जी ने बोला कि मैं इसमें तो उन्होंने इसके ऊपर बात करनी चाहिए. इसलिए कॉरपोरेट जगत के भी लोग इसमें आ रहे, इसमें इंडस्ट्री के लोग, कॉरपोरेट के लोग, संगीत के क्षेत्र के लोग, सिनेमा के लोग, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग इसमें भागीदार होंगे. और 3 दिन तक स्टूडेंट्स के लिए पूरे भारत से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट 10,000 के लगभग इसमें आने वाले हैं और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए. और बहुत बड़ा मैसेज इसके माध्यम से पूना से पूरे भारत में गुजरात छात्र संसद, बिहार छात्र संसद, मध्य प्रदेश छात्र संसद, ऐसे अब कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने जो यहाँ से बाहर निकले उन्होंने ये शुरू किए हैं और एक बहुत बड़ी मूवमेंट पुणे से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. संपूर्ण भारतभरात किया आमचा विद्यार्थ्यांचा एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटमुळे वाढला आणि आपण बघतो तिची प्रोसेस राहुल सरांनी गेले काही वर्षांपासून सुरू केली आहे. खरं तर सरांना त्याचं आउटकम काय राहील त्याची कल्पना कदाचित साहेबांनी सरांनी व्हिज्युलाइज केली असेल पण आम्हाला कळालं नव्हती.
आज एक मोठ्या चळवळीचं स्वरूप याला संबंध भारतामध्ये प्राप्त झालंय, मला याचा विशेष आनंद आहे. आणि माझ्यासारखे असंख्य एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे विद्यार्थी निश्चित आज स्ट्रगल करत असतील, पण मी खात्रीने सांगतो येणाऱ्या काही वर्षात भारताच्या या पॉलिटिकल सोशल कॅनव्हसवर ती मोठी कामगिरी बजावताना दिसतील, एवढं मी खात्रीने सांगतो. धन्यवाद.